हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं और हमें एक इक्वेशन दी गई है p के टर्म्स में। तो हमें पहले x और y की वैल्यू निकालनी है और फिर इस x और y की वैल्यू के यूज से p की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं क्या करेंगे इसमें। इसमें y की वैल्यू निकाल लें हम लोग, क्या आएगी y की वैल्यू, y को उधर ले जाते हैं, 5 को उधर ले जाते हैं, तो y आ जाएगा हमारा 3x-5। ये क्वेश्चन 3 ले लो, 2 ये 1। अब ये y की वैल्यू इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x-3 into 3x-5 = -1। क्या आ जाएगा, 4x-9x-+15 = -1। ये आ जाएगा हमारा 5x, 15 को उधर भेजा तो क्या हो गया, ये माइनस का हो गया, माइनस का 15, माइनस का 1, ये क्या हो गया, माइनस का 6। अब यहाँ से x की वैल्यू आ गई 16/5। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगी हमारी इक्वेशन, y = 3 × 16/5 - 5, है ना। तो ये हो जाएगा 48/5 - 5। तो क्या आ जाएगा, ये एलसीएम लिया 5, 48 - 25। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 5। ठीक, अब हमें p की वैल्यू निकालनी है तो इस इक्वेशन में रख लेंगे -3 × 23/5 = p। x की वैल्यू आई थी 16/5 - 3। तो क्या आ जाएगा, -3 को इधर ले आएंगे तो 16p/5 = 23/5 - 3 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 16p/5 = 5, 23 + 15, ये हो जाएगा हमारा 38/5। p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 38 × 5/5 × 16, 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 8। p की वैल्यू आ गई हमारी 19/8।